नमाज तो संदेशा है वसले महबूब का, महबूब की चौखट में हाजिरी का एक मौका है जो नमाज के जरिए से नसीब होता है। तो अगर कोई शख्स नमाज को अपने लिए बोझ समझता है तो फिर वो महबूब की मुलाकात की अहमियत को ही नहीं जानता। नमाज के लिए जब अजान पुकारी जाए तो बंदे को खुशी, फरहत और मुसर्रत होनी चाहिए कि मैं अब रब के हुजूर हाजिर हूंगा, ना ये कि वो घड़ी पे नजर डाल के कहे कि अभी तो आए हैं, फिर दोबारा अजान शुरू हो गई, तो फिर उसको शौक नहीं है मालिक के हुजूर हाजिर होने का। हुजूर अलैहिस्सलाम तो जब हजरत बिलाल हबशी को नमाज के लिए अजान का कहते तो ये इरशाद करते, अरे ना या बिलाल, बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। अरे ना या बिलाल, बिलाल हमारे कल्ब को, हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। तो ये हुजूर के कल्ब की राहत, तस्कीन और करार का सबब है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की शब जहां बहुत सारे लोगों को अजाबों में मुबतला देखा तो एक शख्स को देखा, रजुलुन मुगैयबुन फी नूरिल अर्श, कि वो अर्श के नूर में गायब था, उसके अतराफ में नूर ही नूर था और वो नूर में डूबा हुआ था। तो पूछा कि ये कौन खुश नसीब शख्स है, कोई फरिश्ता है? तो जवाब आया, फरिश्ता नहीं है, ये कोई पैगंबर है? पैगंबर भी नहीं है। तो ये कौन शख्स है कि जो अनवारे इलाहिया के हिसार में है और हर तरफ नूर ही नूर फैला है? तो जवाब मिला कि आपकी उम्मत का ये वो फर्द है जिसमें तीन खूबियां थी। पहली खूबी तो ये कि इसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी, और दूसरी खूबी इसमें ये थी, वकल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, और इसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ था, मस्जिदों के साथ दिल बस्तगी थी से। फरमाया कुछ लोग होते हैं कि वो मस्जिदों की मेखें होती हैं, जिस तरह वो कील लंकड़ी में ठुक जाता है तो ये भी मस्जिदों में ठुके रहते हैं, जब भी ढूंढोगे मस्जिद से मिलेंगे। फरमाया कभी ये लोग बीमार पड़ जाएं और मस्जिद में हाजिर ना हो सकें तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो इनकी इयादत करने के लिए इनके घरों में जाते हैं। तो मस्जिदों की हाजिरी, मस्जिदों की तामीर में दिलचस्पी, मस्जिदों की आबादकारी के लिए कोशिश, मस्जिदों की सफाई सुथराई का अहतमाम व इल्तिजाम, मस्जिद की तामीरात के मराहल में दिन रात उनसे वाबस्ता रहना, ये खुश नसीब लोगों का मकसूद है। फरमाया कि अल्लाह के घर वही तामीर करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाते हैं। तो मस्जिदों की तामीर यकीनन अल्लाह जल्ला शानहू की खास रजा नसीब करती है। एक रिवायत में आता है, जिसने तितर के घोंसले के बराबर मस्जिद की तामीर की, फरमाया अल्लाह जन्नत में उसका महल बना रहा है, अल्लाह उसका महल तामीर करेगा, उसको महल अता करेगा। तो ये तामीर मस्जिद ये खुश नसीब लोगों का मकसूम है। तो मस्जिदों की आबादी और मस्जिदों में वाबस्ता रहना और दिल वस्ता होना मसाजिद के साथ, ये खुश नसीब लोगों का मकसूम है। तो बदबख्त लोगों को ये सआदत नसीब नहीं होती। अच्छा, तीसरी बात फरमाया कि जो इस शख्स की खूबी है, ये आज तक अपने वालदे गिरामी और अपनी वालिदा माजदा को गाली का सबब नहीं बना, यानी कभी इसने कोई ऐसा फेल नहीं किया कि लोगों ने कहा कि ये किस माँ बाप का बेटा है और लोगों ने इसके माँ बाप को बुरा कहा हो इसकी वजह से। तो ये तीन खूबियां इस शख्स के अंदर पाई जाती हैं और आज ये अल्लाह के अर्श के नूर के साए में अपने आप को खड़ा हुआ पा रहा है। तो जिनके सर नमाज से गोजल रहे हैं, मस्जिद की हाजिरी जिनके लिए शौक हो और मस्जिद में आते ही निकलने के लिए को रास्ते ढूंढ रहे हों, तो उन्हें अपने अंदर उतरना चाहिए।